और एक और बहुत हमारी ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट जिनका मेकअप आपने ऑन एयर भी बहुत दफ़ा देखा है लाइव, और वैसे भी उन्होंने ट्यूटोरियल भी बहुत आपको दिखाए हैं, उनकी भी उनकी ब्राइड्स बनाने का एक अलग तरीका है, सबका अपना अपना सिग्नेचर तरीका होता है, लेकिन ब्राइड के प्यारों को कितना वो प्यारा बनाती हैं, आइए उनसे जानते हैं। बीनज परवेज हमारे साथ अपनी सिग्नेचर ब्राइड के साथ। यहाँ पे खड़ी हो जाओ, कहीं भी खड़ी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक। हाँ जी, बीनज की पहले भी, लेकिन मुझे भी देखा हुआ है, आपको भी देखा हुआ है। बीनज की दुल्हन तो होती प्यारी है, लेकिन एक्चुअल जो है जो दुल्हन के प्यारे हैं, फॉर एग्जाम्पल अम्मी जो है ना, उनको कोई अम्मी कहती है चलो भाई खुद ही से मेकअप करके बाल बना के चलो, मैं तो ज्यादा टाइम जो है वो दूसरी। आई हेट दैट, है ना, बेचारी माएं इतना पाल पोस के बड़ा करती हैं, इतनी तवज्जो देती हैं, एटलीस्ट उनके बिग बच्चियों के बिग डे पे एटलीस्ट शी शुड बी डिजर्विंग टू लुक नाइस आल्सो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब देखो, अम्मी को स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, झुर्री है, अम्मी को बाल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पिगमेंटेशन की भी हो सकती है, या आपकी खाला है, या कोई भी ऐसे, जरूरी तो नहीं है कि वो मॉडल वाला चेहरा होगा। आप माशाल्लाह हमने आप लोगों के साथ बड़े शोज किए और आप मॉडल्स भी आपको दिए हैं, लेकिन सैलून में तो आप लोगों के पास आम लोग आते होंगे ना। चैलेंज ही है ना कि आप यंग स्किन तो एवरीबॉडी कैन हैंडल, बट यू नो थोड़ी सी मैच्योर और प्रॉब्लमैटिक जो स्किन होती है उसके ऊपर काम करने से ही तो पता चलता है ना कि आपका काम क्या है। क्या है? Yeah. अच्छा, ये तो गई अम्मी, खाला, बहन, फुप्पी, लेकिन जैसे वलीमे का मेकअप है अगर, तो नंद भी साथ उसी सैलून से तैयार होती है जहाँ भाभी हो रही होती है, और नंद अगर अच्छी ना लगे तो नंद तो सबसे पहले यही कहेगी छूटते ही भाभी ने खुद तो अच्छा करवा लिया मेकअप, उन्होंने चूज की थी ये बीनज, और हमें देखें देखे मेरी बात सुने, वलीमे का मेकअप करवाते लड़के वाले, हाँ। तो वो ऐसा सोचने का उसका बनता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ। वो माइंड मेकअप करके ही आए हैं, और वो कभी कभार ऐसा होता है कि दुल्हन चूज करके बताती है कि मुझे वहां से तैयार होना है, हाँ। और फिर सारा बेचारी सारी दुल्हन ही चूज करती है, ऑप्शन ही नहीं देती कपड़े और मेकअप के लिए, दुल्हन कहती है बस बहुत हो गया पुराना दबा, अब वो लड़कियां नहीं कहते जब वो इन-लॉज ने जो करा दिया वो कर लिया, हस्बैंड मंगेतर होता है मतलब निकाह जिससे हुआ हुआ होता है उसको कहते सुनिए मुझे ना फलानी जगह से मेकअप, हम प्यार प्यार में उस वक्त सब सुनी जा रही होती है बात, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के ये बताओ, मिल जाते हैं, टेंशन नहीं लो, बाद में मिलते हैं जो हर बात सुन रहे होते हैं, बाद में असल रूप निकालते हैं, अभी सब सुन रहे होते हैं। ये भी है, चलें। तो आपके हिस्से में कौन आई है दुल्हन की? नंद। नंद, दुल्हन की नंद आपके हिस्से में आई, तभी मैं नंद। यहाँ दुल्हन की फूफो है, यहाँ दुल्हन की बहन है, वहाँ दुल्हन की नंद है, तो लाइक और जो दुल्हन की नंद है, मैं वही कह रही थी कि हल्की सी स्किन जो है आपको फ्लॉलेस नहीं मिली है, उस पे आपको खेलना है। नहीं, इनके काफी पिगमेंटेशन का इशू है, डिस्कलरेशन है, थोड़े से डार्क सर्कल्स भी हैं, पर इट्स ओके, आई विल फिक्स इट। हां, अगर मैं बीनज से पूछूं कि उसकी सिग्नेचर ब्राइड क्या है, तो क्या कहेंगी बीनज? फॉर मी देयर इज नो सिग्नेचर एज सच, बिकॉज मैं हमेशा वेरिएशन देती हूँ अकॉर्डिंग टू द आउटफिट, अकॉर्डिंग टू द ज्वेलरी, यू मस्ट हैव सीन अब तक, ठीक है, कभी भी मेरा एक ब्राइडल टिपिकल लुक नहीं होता, बट आई ट्राई टू कीप इट मोर मॉडस्ट एंड अ लिटिल बिट मॉडर्न, ठीक है। हाँ, मेरा वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला लुक, थोड़ा सा तुम फ्यूजन देती हो, फ्यूजन देती हूँ, वो मेरे हाथ में हाथ में। हाँ,